सो हाय गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज टीजे आकाश, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, अभी मैं हूँ पुणे के कैंप एरिया में एंड आज हम लोग कवर करने वाले कैंप एरिया और एमजी रोड का स्ट्रीट फूड, यहाँ के फेमस जॉइंट्स हम लोग एक्सप्लोर करने वाले। तो आज का वीडियो पूरा देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना एंड इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि वहाँ पर पहली अपडेट आती रहती है कि नेक्स्ट वीडियो कौन सा आने वाला है, ताकि आपको पता चलता रहे, बराबर। तो अभी चलते हैं हमारे फर्स्ट स्पॉट की तरफ, लेट्स गो। सो गाइज, आज का जो हमारा फर्स्ट स्पॉट है वो है मार्जोरिन। तो यहाँ की चटनी सैंडविच बहुत ज़्यादा फेमस है, तो अभी चलते हैं अंदर और इनकी चटनी सैंडविच ट्राई करते। तो उसके पहले आप लोग यहाँ का एम्बियंस देख लो। सो गाइस, मैंने ऑर्डर किया है चटनी सैंडविच, जो यहाँ की स्पेशलिटी है। तो ये रहा चटनी सैंडविच, तो इसको खा के देखते हैं टेस्ट कैसा है, ठीक है। और ये रहा चटनी सैंडविच, अंदर देखो तो सिर्फ चटनी है और ब्रेड है। तो अभी टेस्ट करके देते टेस्ट कैसा है। सो गाइस, अगर टेस्ट की बात करूँ तो टेस्ट काफ़ी सही है, मतलब चटनी थोड़ी ही स्पाइसी और मीठी भी लग रही है, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है टेस्ट। इनका चटनी का स्वाद ही अलग है, पता नहीं कौन सी है, अलग ही बना है, मज़ा आ रहा है खाने के लिए। और साइड में देख सकते हो एमजी रोड का बढ़िया नज़ारा, तो आप ये लुक के साथ खा सकते हो, ठीक है। सो गाइज, अभी हम लोग आए द वेरी फेमस गार्डन वड़ा पाव के यहाँ पे, जो कि 1972 में चालू हुआ था। तो अभी चलते हैं अंदर और इनका वड़ा पाव और छाछ ट्राई करते, लेट्स गो। सो गाइज, हमारा वड़ा पाव और छाछ आ चुका है, तो अभी टाइम है उसको टेस्ट करने का। तो अगर वड़ा पाव की बात करो तो वड़ा पाव काफ़ी ज़बरदस्त था, मज़ा आ गया खा के। एंड उसके साथ मैंने लिया था छाछ, तो अभी छाछ भी टेस्ट कर लेते। एंड छाछ भी काफ़ी ठंडा और रिफ्रेशिंग था, मज़ा आ गया खा के। सो गाइज, अभी हम लोग आए कोइनर रेस्टोरेंट में, तो यहाँ का बन मस्का चाय बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अभी चलते अंदर और इनका बन मस्का ट्राई करते, लेट्स गो। सो गाइस, हमारा बन मस्का जाम, बन मस्का और चाय आ चुके, तो अभी टेस्ट करके देखते हैं टेस्ट कैसा है इसका, ठीक है। सो गाइस, तो पहले हम लोग टेस्ट करने वाले हैं बन मस्का, तो ये रहा बन मस्का। तो अभी चाय का साथ टेस्ट करते हैं। सो गाइस, टेस्ट काफ़ी अच्छी है और बन भी काफ़ी सॉफ्ट है, और बन मस्का की जो टेस्ट आ रही है काफ़ी बढ़िया आ रही है, चाय के साथ तो और अच्छा लग रहा है। और एक बाइट लेते, बढ़िया मज़ा आ गया काफ़ी। सो गाइस, तो अभी हम लोग ट्राई करने वाले हैं बन मस्का जाम, तो ये रहा बन मस्का जाम। तो अभी इसको टेस्ट करके देखते हैं टेस्ट कैसा है। सो गाइस, अगर टेस्ट की बात करूँ तो इनका जाम काफ़ी अलग है, मतलब हम लोगों ने जो कैफे गुडलग में खाया था वैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा अलग है, पर टेस्ट काफ़ी अच्छी है, मज़ा आ रहा खाने के लिए। और ऊपर का जो है वो सॉफ्ट नहीं है, हार्ड है थोड़ा सा, पर टेस्ट काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और एक बाइट लेते, बढ़िया
बढ़िया है। तो गाइस अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो बन मस्क और बन मस्क का जाम जरूर ट्राई करना, ठीक है। और मुझे पता है बहुत ज़्यादा शोर है यहाँ पे, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, पर मज़ा आ रहा है खाने के लिए। सो गाइस आज का जो हमारा नेक्स्ट स्पॉट है वो है द वेरी फेमस कैंप बर्गर। तो उसके पहले आप लोग यहाँ का एम्बियंस देख लो, काफ़ी छोटा सा है पर काफ़ी बढ़िया है। तो ये रहा यहाँ का मेनू, तो स्क्रीनशॉट कर लेना। और उसके बाद मैंने मंगवाया था एक वेज चीज़ बर्गर और उसके साथ मिरिंडा भी मंगवाया था, तो अभी टाइम है उसको टेस्ट करने का। सो गाइस हमारा वेज चीज़ बर्गर आ चुका है और अंदर देख सकते हो बहुत सारे सॉसेस है, एक टिक्की है और चीज़ की स्लाइस है, और मैंने एक मिरिंडा लिया है। तो अभी टाइम है उसको टेस्ट करने का, तो टेस्ट करके बता दो टेस्ट कैसा है, ठीक है। सो गाइस हमारा बर्गर आ चुका है और बर्गर के साइज़ देख सकते हो कितनी बड़ी है। तो अभी टाइम है इसको टेस्ट करने का, तो लेट्स टेस्ट। अगर टेस्ट की बात करूँ तो टेस्ट काफ़ी अल्टीमेट है, ज़बरदस्त है, और टिक्की जो है वो काफ़ी क्रंची है, उसकी वजह से टेस्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है। और देख सकते हो बर्गर पूरा मेसी बर्गर है, बहुत सारे सॉसेज डाले हुए हैं। और एक बाइट लेता हूँ। सो गाइस पुणे आ रहे हो तो कैम का बर्गर 100% रिकमेंडेड है, ज़रूर खाना। और हाथ देख सकते हो पूरा मेसी हो चुका है, और उसके साथ मैंने मिरिंडा लिया। सो गाइज आज की जो हमारी लास्ट लोकेशन है वो है मोना फूड। तो यहाँ के छोले भटूरे बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उसके पहले आप लोग एम्बियंस देख लो, छोटा सा है पर काफ़ी बढ़िया है। तो देखते देखते हमारे छोले भटूरे आ चुके हैं, तो दिखने में देख सकते हो क्या आप बढ़िया दिख रहे। और इनका जो भटूरा था वो काफ़ी बड़ा था, इतना बड़ा भटूरा मैंने आज तक नहीं देखा है, तो अभी टाइम है उसको टेस्ट करने। सो गाइज हमारे छोले और भटूरे आ चुके हैं, एंड गाइज भटूरा का साइज़ देख सकते हो कितना बड़ा है, एक ही आता है पर इतना बड़ा आता है ना। और ये रहे छोले, तो अभी टाइम है उसको टेस्ट करने का, तो टेस्ट करके देखते हैं टेस्ट कैसा है, ठीक है। गाइस इनकी जो छोले भटूरे के टेस्ट है वो काफ़ी सही है, जो छोले है वो थोड़े से सॉफ्ट है, क्या पता नहीं अलग ही है, चना छोले चना भटूरे वो बोलते, पर टेस्ट जो आ रही है ज़बरदस्त आ रही है। मैंने पहली बार ऐसा छोले भटूरे खाया, काफ़ी अलग टेस्ट है, काफ़ी मज़ा आ रहा है खाने के लिए। और एक बाइट लेते, ज़बरदस्त। सो गाइस अगर आप कैंप आ रहे हो और छोले भटूरे खाने तो मोना फूड जरूर आना और यहाँ के छोले भटूरे ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। और गाइस तो आज के व्लॉग के लिए इतना ही, पर स्टे ट्यून, इसका पार्ट टू भी आने वाला है। एंड अगर आपके कुछ सजेशंस रहेंगे तो कमेंट सेक्शन खुला है आप लोगों के लिए, तो ज़रूर बताना। तो बस यार आज के वीडियो के लिए इतना ही, तो आज के वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। टिल देन दिस इज डीजे आकाश फॉर यू साइनिंग ऑफ। पीस, बूम, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।